नासदासिन्नो सदासित् तदानीं नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीद् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत् नहीं था असत् भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था। महज एक इत्तफाक था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में आज भी पुराने शहर और प्राचीन आलार जमींदोज हैं। जब से ये पंक्तियां लिखी गई हैं, सिंधु सभ्यता के और कई शहर और गांव हमें मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नष्ट होने के साथ ही साथ शहरी तहजीब भी मानो लुप्त होने लगी, पर तकरीबन सभी जगह कृषि प्रधान खेतीहर बस्तियां विकसित होने लगी। आर्य लोग हिंदुस्तान में 5-6 हजार या शायद इससे भी ज्यादा बरस पहले आए होंगे। कई सदियों तक उत्तर पश्चिम के पहाड़ों से कबीले पे कबीले, कुंबे पे कुंबे, लहर पे लहर सैकड़ों बरस तक आते रहे होंगे। शायद पहले उन्हें सिंधु घाटी तहजीब वालों ने और दूसरों ने भी रोका, मगर फिर उस सैलाब को रोक पाना उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्या आप उन्हें पहाड़ी दर्रों से नीचे अनजान मैदानों में उतरते हुए नहीं देख पाते? ईसा से 2000 से 1000 साल पूर्व के दौरान उपमहाद्वीप के सभी हिस्सों में विकसित ग्रामीण संस्कृति के कई प्रमाण मिले हैं। ग्रामीण खेतीहर समाज पर पशुपालक योद्धाओं के आक्रमण से वैदिक संस्कृति का पहला विस्तार हुआ। पराजित ग्रामीण समाज ने वैदिक योद्धाओं की भाषा अपनाई। इस विषय पर भी अनेक मत हैं कि क्या वैदिक जनसमूह मध्य एशिया से भ्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के समय भारत पहुंचे, या वो भी सिंधु तहजीब के लोगों के साथ सिंधु घाटी की ओर आए, लेकिन खेतीबाड़ी और नागरीकरण में उन्हें ज्यादा समय लगा। तसव्वुर कीजिए, दूर से आए हमारे पुरखे नदियों के किनारों पर पहुंचते हैं। इस नजारे ने उन्हें कितनी उमंग और खुशी से भर दिया होगा। फिर क्या ताजुब जो इन्होंने इन नदियों के सामने सर झुकाया और अपनी मीठी जबान में इनकी प्रशंसा की। हे जल, हे उदक, नीर है सुख स्रोत है, हमें बल दो, ऊर्जा दो, महान आनंद दो। जलते से शिशु को माता दूध पिलाती है, वैसे ही हमें भी मंगलमय रस दो। हे जल, हमें तुम
रोग मुक्त कर हर्ष दो, हम तुम्हें स्वीकार लें, हमें वंश वृद्धि दो। हे जल अभिलाषा तुम हो, औषधि तुम हो, आरोग्य हो, अग्नि हो, हमारे जीवन दाता हो। अभीष्ट हो, तुम हम पर बरसो, बरसो। दोष हरो, शाप हरो, वाणी का पाप हरो, तन का मन का मैं हरो, हमें शुद्धि का अमृत दो, जल के रस में हूँ, जल मैं हूँ, अग्नि तुम जल में हो, आ मुझे तेजो मैं कर दो। यहीं पर डेरा डालेंगे, मुझे याद है बरसों पहले हम यहीं अपने मवेशी चराने लाए। सात नदियों वाली ये धरती तुम्हें अच्छी लगी सुतेजा? क्या तुम अब भी सोचते हो कि मैं तुम्हें बिना मतलब इधर उधर लिए जा रहा था? तात, आपकी जिद की वजह से हम सब लोग यहाँ हैं, वरना कबीले वाले इस यात्रा की तकलीफ कहाँ बर्दाश्त कर पाते। क्यों, मैंने जो फैसला किया है उस पर यकीन करो, बिना कोशिश किए कुछ नहीं मिलता। पशुपालक धीमे धीमे नहीं फैलते बल्कि तीर की तरह तेजी से बढ़ते हैं। नई जगह पर बसने से पहले खोज यात्राएं होती हैं, जिनमें चरागाहों की खोज के साथ साथ धन संपदा के अड्डे भी खोजे जाते हैं, और ये पशुपालक बाद में उन अड्डों को लूटते हैं और पशुओं को वसूली में हथियाते हैं। वैदिक लोगों का फैलाव इन सभी मिले जुले उद्देश्यों से ही हुआ होगा। क्या हुआ, तुम्हें ये मवेशी कहाँ से मिले? हम अपने रास्ते पर जा रहे थे सरदार, बीच में असरों का एक गाँव पड़ा, हमने उन पर हमला किया और इन मवेशियों पर कब्जा कर लिया। अच्छा हुआ, अब हमारे पास अधिक पशु हो जाएंगे। किंतु हम इन जानवरों का करेंगे क्या? हड्डी और चमड़ी के ढांचे भर तो हैं ये। नहीं सुतेजा, हमारे मवेशियों की तुलना में इन मवेशियों में यहाँ की गर्मी सहने की अधिक शक्ति है। अब हम यहीं पड़ाव डालेंगे। प्रिय मेधा, इन पशुओं के लिए बाड़े का प्रबंध करो। अच्छा सरदार। मवेशियों और दासों में से हमें हिस्सा नहीं मिलेगा क्या? इंदुवर्चा, उतावली मत करो, हमेशा की तरह हर एक को उसका हिस्सा मिलेगा। वैदिक लोगों, उनकी भाषाओं के आगमन और उनके विस्तार को एक गतिशील सांस्कृतिक संपर्क के रूप में देखना चाहिए जो सदियों तक चलता रहा। ये लकड़ी की पट्टी का माता है और ये ऊपर वाला काष्ठ छड़ पिता, दोनों मिलकर अग्नि को जन्म देते हैं। अब यही उचित समय है, तुम इन सब के अर्थ समझ लो और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करो। ॐ भूर्भुवस्वरोम् कृणस्व पाजा प्रसितिम् न पृथिवीम् याहि राजेव अमवानि वेना। वो सांस इस बात का प्रतीक है कि सूर्य अश्व सूरज से अग्नि लाया है। हे मन, जैसे धन कामना से जन जुड़े हुए रथ का यश गाते हैं, हम भी वैसे ही कीर्तिमान शक्तिमान अग्नि के गुण गाएं। अग्नि जो
नायक है सहायक है अग्नि जो अजर है सदा सुंदर है। आओ हम उस अग्नि को बुलाएं। घर घर अग्नि देव प्रज्वलित होता है रात के अंधेरे दिन के उजाले में आराधना पाता है। नहीं होता जिसके नियम का अपालन। आओ हम उस अग्नि को सजाएं। अग्नि इंद्र सोमादि देवता रक्षक है सहायक है वे हमारे पोषक हैं। तभी हम कभी नष्ट नहीं होंगे। आओ हम अपने शत्रु को हराएं। आओ हम उस अग्नि को बुलाएं। अब हर घर का गृहपति गृहपति अग्नि और अपने पूर्वजों पितरों के लिए दक्षिणा मुंड हेतु अग्नि लेने आएगा। क्या हुआ अंदर से ना क्या हुआ? क्या हुआ कोई मर गया क्या? हमारे मवेशी मक्खियों की तरह मरमर कर गिर रहे हैं। अरे बड़ी निर्दयता से आका गया है दांत। नहीं नहीं ये सब गर्मी की वजह से हो रहा है। असुर के पशु तो इसके आदि हैं। सुते जा जाओ पता लगाओ आसपास कोई मवेशी हैं या नहीं। वो तो पकड़ के ले आए। हम यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि मृत पशुओं के बदले में नए मवेशियों के लिए क्या किया जाए। राजन क्या सुतेजा मवेशियों की खोज में नहीं गया? हाँ लेकिन अभी तक वो लौटा नहीं है। राजन आपसे जो भी काम देते हैं वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता। मैंने उसे कई बार समझा। दांत दांत मैंने पशुओं को ढूंढ लिया है। मैंने मवेशियों को खोज लिया है। कहाँ? सुरा के प्याले में। बहुत ही सुंदर मवेशियों का झुंड है प्रेमेदा। पड़ियों की बस्ती गायों का बाड़ा। वे लोग योद्धा नहीं है मजे में रहते हैं। बस चीजें खरीदते और बेचते हैं। उनके पशु बहुत ही सुंदर है तात बहुत सुंदर। अगर ऐसा है तो फिर ये उन्हें खोने का वक्त नहीं है। हाँ। सूरज डूबने वाला है। नहीं तात पड़ी लोग बहुत ही चालाक है। उन्होंने अपने मवेशियों को गुफा में छिपा रखा है। वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम उनसे युद्ध करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि अपने योद्धाओं को खोना। बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। अगर हम उन्हें भयभीत कर दें तो शायद हमें गौए दे दें। ठहरो राजन एक काम करें। क्या? यदि हम शर्मा को भेजें। शर्मा श्वान देवी है वो उसकी बात अवश्य मानेंगे। हम शर्मा को भेजकर पशुओं की मांग करेंगे। ठीक है पर तुम्हें उसके साथ जाना होगा। अच्छा कल सूर्यास्त तक वापस लौट आना। इतना समय पर्याप्त है ना? हाँ। सुनो तुम उसके पीछे रहना। पड़ी बस्ती की सारी बनावट समझ लेना। हो सकता है हमें उनसे लड़ना पड़े। अच्छा राजन। Thank you.
कौन हो तुम? शर्मा। कहां से आई? इतना बड़ा फासला कैसे पार कर आई? रहा मैं बहती रसा सरिता, कैसे पार कर आई बता, कैसे आई? मैं शर्मा, इंद्र की भेजी हुई दूती। सुना है बहुत बड़ा गोधन है तुम्हारा, उसी को देखने चली आई। वो भी रात को, पार करके नदी की आकाश छूती लहर को। डर गई थी नदी हमसे, हरा दी उसने, चली आई। कौन है इंद्र ये जो स्वामी तुम्हारा, और कैसा श्वान बनकर घूमते हैं दूत जिसके? क्या उजाले से दहलता जी तुम्हारा? अच्छा किया जो इंद्र ने तुम्हें यहाँ भेजा, अगर वो खुद यहाँ आते तो मित्रता करते उनसे, स्वामी बनाते। संभलता नहीं है गोधन हमसे, सौंप देते, रात को आराम से सोते। क्यों ना? ना समझ पड़ियो? इंद्र सबको समझता है, छल कपट जानता है, आकाश छूती शिखर की ऊंचाइयां, पाताल तक पहुंची हुई गहराइयां रोक नहीं सकेंगी इंद्र को। आएगा पणियों, इंद्र तो आकर रहेगा, वो विनाशी स्वयं अविनाशी, सुला देगा सभी को सदा। पैदा हुए हम पणि का सिर्फ सोने को, देखती है शस्त्रिया कौन था पल भर इधर, दुश्मनों की लाश बिछाती उधर। जाओ जाकर कह दो अपने इंद्र से, चाहता है गोए अगर तो आना होगा युद्ध करने इधर, मगर आना सभी जन से विदा लेकर, क्योंकि यहाँ से वापस लौट कर नहीं जाना है। बड़बड़ाती जीव के खातिर है बहुत एक तीर, वीर का धक्का नहीं सह पाएगा नीचता के कर्म में डूबा हुआ ये शरीर। पर्वतों से सुरक्षित है ये कोश, अश्व है गाय है विविध धन धान्य से परिपूर्ण, गिरा है यह स्थान पणियों से, करेगा एक पल में चूर्ण। बेकार में आई है तू यहाँ शर्मा, जा फिक्र में होगी तेरी माँ। अरे रुक रे शर्मा, ये अंधेरी रात और तुम अकेली बालिका, नहीं लगता डर? भला होता यदि सोती वहां घर पर माँ के गले लगकर। दास तू शर्मा, दास का जीवन कहा अपना, यदि वो चाहे जियो तो जीना, अन्यथा मरना। नहीं तुम दुश्मन हमारी, नहीं दुश्मन हूं। सुनो शर्मा, तुम हमारी हो, तुम हमारी बहन हो, तुमको यहीं रहना। अरे इतना बड़ा गोधन, इसमें भाग है तुम्हारा, हो जाए बंटवारा, तुम्हारा भाग है सौंपते तुमको, स्वीकार है शर्मा बहन? कौन भाई, बहन भी कौन, मुझको ही संबंध नहीं स्वीकार? जानता है इंद्र, जाने अंगिरस, मैं जा रही हूं उन्हीं के पास, भ्रष्ट व्यवहार भी मुझको नहीं स्वीकार। प्राणों से है अगर प्यार तो भागो पणियों, भागो पर्वत के उस पार। अब भुजारन, व्यर्थ मत कर शब्द तू अपने यहां, जा जाकर कह दे अपने स्वामियों से, इंद्र के अनुगामियों से, हम न देंगे पशु ने अपने कभी भी पशु ने। क्या हुआ? उन्होंने पशु देना स्वीकार कर दिया। क्या ठीक है, फिर हम लड़ेंगे। गायक गाता है इंद्र के लिए गाना, मंत्रों से करता साधक इंद्र की अर्चना, अपनी वाणी से करते हम इंद्र की आराधना। इंद्र का नेत्र है सर्वत्र देख पाता है, वही किरणों से मेघ पिघलाता जल गिराता है। छोटी चपट या विकट युद्ध में जिसे हम बुलाते वह इंद्र है।
मित्र को हम, वही तो वज्रधारी इंद्र है। इंद्र है सर्वेश्वर, समर्थ है समर्थों में, चपल वेग से घुसता है अपनों में। जैसे बलशाली वृषभ दृष्टि वेग से घुसता है गौओं के झुंडों में। इंद्र तुम किसानों के धन धान के एकमेव स्वामी हो, हम सब दिशा से सबके इंद्र को बुलाते हैं। इंद्र तुम हमारे हो, हमारे ही रहो। सिंधु घाटी सभ्यता के वो संपन्न व्यापारी थे जिन्होंने शहरों के उजड़ने के बाद भी जैसे तैसे व्यापार चलाए रखने की कोशिश की। पणि शब्द बनिया से पूर्व का शब्द है, जो कि स्वयं संस्कृत शब्द वणिक से निकला है, और वणिक शब्द का जन्म हुआ पणि से। संस्कृत में सिक्के को पण और वस्तु को पण्य कहते हैं। जिसने अयवध कर सप्त सरिता बहाई, जिसने बलासुर की गुफा में बंद गौएं छुड़ाई, जिसने मेघों सी शिला के उदर में गाज की आग सजाई। सज्जनों सुनो, वही शत्रु हर हमारा इंद्र है। सभी भुवनों को डरा कर जिसने कंपित कर दिया है, दास दल को रख गुफा में जिसने बंदी कर लिया है। जीता है लक्ष्य जिसने शिकारिया जुहारी सा, सज्जनों सुनो, वही विजेता हमारा इंद्र है। जिसने 40 साल पहाड़ों में चिपे शंबर कुमार और अहंकारी अहिदानव को सोते में संगार, त्रिलोक पर आरोहण करते रोहिण को प्रहारा। सज्जनों सुनो, वही पराक्रमी हमारा इंद्र है। दुराचारियों को जो वज्र से कुचलता है, जो घमंडी वैरियों के गर्व को कुचलता है, जिसका नाम सुन दस्युओं का दिल दहलता है। सज्जनों सुनो, वही वीरवर हमारा इंद्र है। सज्जनों सुनो, वही वीरवर हमारा इंद्र है, हमारा इंद्र है। क्या इंद्र वाकई कोई मनुष्य था जो आर्यों का प्रमुख रहा होगा, या फिर कोई काल्पनिक चरित्र? ईरानियों में जरतुष्ती सुधारों के बाद इंद्र को दैव या दानव माना जाने लगा। इसी तरह असुर और राक्षस शायद उस समय की अन्य प्रमुख भारतीय जातियों के सरदार या देवता रहे होंगे। मुख्य शत्रु वे रहे होंगे जिनके राजाओं या सरदारों के साथ युद्ध को इंद्र द्वारा दैत्यों के संहार के रूप में दर्शाया गया है। इन दैत्यों में सबसे बड़ा संभर था, जिसके पास बहुत से गढ़ या पुर थे। इंद्र इन पुरों को तोड़ने वाला पुरंदर है, लेकिन ना तो इंद्र और ना ही उसके अनुयायियों का कोई शहर बनाते या बसाते हुए या किसी शहर पर शासन करने का ही वर्णन मिलता है। लेकिन एक हिंद आर्य बस्ती ग्राम कहलाती थी, जिसका अर्थ बाद तक भी गांव ही रहा, जो एक रात भर के पड़ाव के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता था। गाय हाय हमारी
वैदिक कबीलों का मुख्य कार्य युद्ध था और तकनीकी ज्ञान ज्यादातर युद्ध के लिए रथ अस्त्र शस्त्र और औजार के निर्माण तक सीमित था। भूमि को बारी बारी से अलग अलग दलों को सौंपा जाता था और दल आपस में उसे तकसीम करते। खेती बाड़ी उस समय तक इतनी अविकसित थी कि जोती जा चुकी जमीन को एक ही फसल के बाद हर साल बदलना पड़ता था और फिर ये जमीन कुछ अरसे के बाद दोबारा इस्तेमाल में लाई जा सकती थी। सरदारों को नियमित रूप से भेंट और उपहार दिए जाते थे बतौर कर। लोगों की सामुदायिक गतिविधियों का केंद्र सभाघर था, जो कबीले की पंचायत के अलावा मर्दों के आराम और आमोद प्रमोद की जगह भी मानी जाती थी। सभा का पसंदीदा कार्य था जुआ। अब तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ तुम से, मैं जरा बाहर जाके स्वच्छ हवा खा के आता हूँ। मैं सब जानती हूँ तुम कहाँ जा रहे हो। तुम क्या समझते हो मुझे कुछ पता नहीं? मत भूलो कि तुमने अपने पिता के सामने प्रतिज्ञा की थी। मैंने कहा ना, मैं सिर्फ देखकर आ रहा हूँ कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैं नहीं खेलूंगा बस। पासे चलते देखकर तुम अपने आप को रोक नहीं पाओगे, मत जाओ। मैं पासे नहीं खेलूंगा, पता है ना। अंत तो गत्वा तुम आ ही गए सुतेजा। कोई भी प्रतिज्ञा, कोई भी शपथ इससे बढ़कर नहीं है। नहीं है। सुतेजा, तुमने तो कसम खाई थी। एक बार इंदुवर्षा, आज मुझे लग रहा है कि मेरा भाग्य मेरे साथ है। लाओ पासे। तो फिर लो। ये पासे झंझावात में पेड़ से टपके फलों से बने। ये पासे बिसात पे गिरते लुढ़कते सरकते, फिसलते हिलते कर्ण फूल जैसे पासे, सुख लुटाते हैं मुझ पर जाने कैसे कैसे। मूझवत पर्वत पर उगी सोम की लता का रस भी नहीं बहकाता उतना, उससे भी ज्यादा बहकाते नशा जगाते ये। अरे काट के पासे, जो जुआ खेलता है उसकी सांस भी तिरस्कार करती है, प्राणों से प्यारी पत्नी भी उसे छोड़ जाती है। माया मोह ममता दया हृदय में उसके लिए उपजती नहीं है, वह तो बुरी घोड़ी है रस्ते में जाऊंगा। नहीं जाऊंगा फड़ पर मैं संकल्प करता हूँ, यूं ही चले जाते हैं मुझे छोड़कर मेरे जुआरी मित्र, त्यों ही पिछड़ जाता हूँ। अरे जाता हूँ पीछे पीछे और सुनता हूँ पासों की बानी कि आओ आओ मित्र कहाँ थे। दौड़ जाता हूँ जैसे स्त्री हो कोई जारिणी व्यभिचारिणी। आह पासे, क्या जानो तुम मेरी उतावली, जब आता हूँ तुम्हारे पास जीत लूंगा सारी दुनिया, यही होती है आस। उठाता हूँ तुम्हें, कांपता हूँ संभलता हूँ, पासे खनकाता हूँ गिराता हूँ। आ पासो विश्वासघाती तुम, उनके हो जाते हो तुम मेरे दुश्मनों के, कैसे नीच हो तुम। पत्नी है जुआरी की विरह में जल रही है, माता है जुआरी की भटके बेटे की आग में घुल रही है, कर्ज में डूबा डरा हुआ धन की अपेक्षा में जुआरी, आधी रात को घटा घरों में इरादा चोरी, देखता दूसरे सजे घरों को प्रियों को सुखी जो अपना
बार जीतना है। चलो घर वापस चलो सुतेजा, मैंने तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना भला बुरा बच्चा अच्छी तरह समझता हूँ। तुम जाओ तेजा, वो संभाल के बोलो, वज्रबंधु तुम्हारे पिता ही नहीं हमारे सरदार भी हैं। चुप तेजा, ना तुम्हें लज्जा आती है और ना कर्तव्यों का ज्ञान है। पिता के शब्द कोई अर्थ नहीं रखते तुम्हारे लिए। उठो जाओ उनके साथ। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। लेकिन कोई क्या बिगाड़ लेता है मेरा। अरे तेजा उठ, उठता मुझे। अरे अरे तुमने मुझे मारो। अरे
उषा आती है। अग्ने आहुति का अन्न लो, कीर्तिमय देव प्रिय स्तुति लो। हे मेधाविन हे जीवन रसदाई, गाए हमने जो मन भाई स्तुति बहलो। हे अग्ने लोक में बंधु कौन है, यज्ञ कौन है, किसके आश्रित तुम कौन हो। हे अग्ने लोक के तुम्ही बंधु हो, तुम्ही सखा हो, मित्रों में प्रिय मित्रों के तुम्ही मित्र हो। हे अग्ने यजन करो तुम, मित्र वरुण का हमारे लिए, इंद्रादि देवता का यजन करो, यजन करो विशाल यज्ञ का, अपने महान घर का यजन करो। इंदुमती अंशुमती, फिक्र मत करो, मेरे पितरों के पास जाने का वक्त आ गया। ओ पिता परम व्योम में अपने पितरों से मिलो, यम से मिलो पुण्य कर्म के इष्ट फल से मिलो, पाप मुक्त होकर अपने घर लौटो, नव गरिमा में तेजस्वी देह से मिलो। हे यम अपने मार्गदर्शक गृह रक्षक चतुर्द्रक, दोनों श्वानों को मृतक की रक्षा का आदेश दो, मृतक का कल्याण करो, मृतक को आरोग्य दो। हे अग्ने इसके जन्म रहित अंश को अपने तेज से तपाओ, फैलाओ अपने को पवित्र ज्वालाओ, जलाओ जलाओ। हे जानकार अग्नि अपनी मंगलमय मूर्ति से इसे पुण्यशील लोकों में ले जाओ, पुण्यशील लोकों में ले जाओ, पुण्यशील लोकों में ले जाओ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम यहां एक बड़े ही औपचारिक कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं। हम सब अपने राजन वजबंधु के स्वर्गवास होने पर शोक संतप्त हैं। वो हम सबके पिता समान थे। वो अपने कुशल नेतृत्व में हम सबको इस सात नदियों वाले देश में लाए थे, वरना ब्रह्मवर्त में हमारे बच पाने की कोई संभावना बाकी नहीं बची थी। आज हम उन्हीं के उत्तराधिकारी के चुनाव के लिए यहां इकट्ठा हुए हैं।
आप में से जो भी इस पद के लिए अपना नाम देना चाहे दे सकता है, और उसके बाद आप जिसे भी उपयुक्त समझें उसे आप अपना राजन चुने। मुझे पहले ही दो अभिलाषों के बारे में बता दिया गया है। एक तो हमारे स्वर्गवासी राजन के पुत्र सुतेजा हैं, और दूसरे इनके सहयोगी योद्धा प्रिय मेधा। इसके अतिरिक्त कोई है? हाँ, मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो तीसरा नाम भी है, बहुत ही विनम्र, इंदु वर्षा। क्योंकि मैं आप सब में उम्र में बड़ा हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब मुझे पहले बोलने की अनुमति दें। अवश्य। जैसा कि आप सब जानते हैं, राजन वजबंधु मेरे बड़े भाई समान थे। मैं बहुत छोटा था जब मेरे पिता का देहांत हुआ। ये राजन वजबंधु ही थे जिन्होंने मुझे युद्ध कला और शिकार का पाठ पढ़ाया। मुझे आज भी वो दिन याद आते हैं जब हम अपने पुराने देश ब्रह्मव्रत में कई कई दिनों इकट्ठे शिकार पर जाया करते थे। आज आप अपने नए राजन चुनने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बात को ध्यान में रखें कि मैं इस कबीले की रक्षा में कभी पीछे नहीं रहा, और ना ही दुश्मनों से वसूली में। बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत ही अच्छा बोले तुम प्रिय मेधा, बहुत ही अच्छा। और अब सुतेजा। सज्जनों, आप सभी हमारे कबीले के सम्मानित गृहपति हैं जो आज यहां एकत्रित हुए हैं। आप मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, मैं वजबंधु का ज्येष्ठ पुत्र हूं। मेरे पिता एक महानतम राजा थे और इस कबीले के सरदार भी। क्योंकि वे इस कबीले के सरदार थे इसीलिए प्रिय बंधु से अधिक अधिकार इस पद पर मेरा है। बस मैं इतना ही कहूंगा। और अब इंदु वर्षा। मित्रों, भाइयों और साथी योद्धाओं, मैं ना तो पूर्वजों की बात करूंगा और ना ही अपने युद्ध कौशल की, परंतु आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा दुश्मनों से प्राप्त वसूली के बंटवारे के लिए बोला हूं। यदि मुझे राजन बना दिया गया तो आपको पशुधन, घोड़ों, सोने और दासियों की कभी कमी नहीं होगी। बस। तो आप सभी ने तीनों प्रत्याशियों को सुना, अब आप जिससे भी उपयुक्त समझे उससे आप चुनें। प्रिय मेधा के पक्ष में जो जो हैं, वो अपना हाथ ऊपर उठाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात। और सुतेजा के चाहने वाले भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। एक, दो, तीन, चार, पांच। और इस तरह इंदु वर्षा के चाहते भी अपना हाथ ऊपर उठाएं। एक, दो, तीन। तो हमारे नए राजन प्रिय मेधा हैं। प्रभु तुम्हारी रक्षा करे। हम विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ करके तुम्हारा राज अभिषेक करेंगे। इंद्र तुम्हारी सहायता करें। अश्व हे अंतरिक्ष के आदि जल में उदित हुए तुम, आए थे हिनहिनाते। तुम्हारा जन्म भी महान, तुम्हारे पंख जैसे बाज पक्षी के, किरण भुजाएं हिरण के समान। यम के दिए अश्व को प्रथम त्रिलोकी, कृत ने रथ में जोड़ा, इंद्र ने सवारी की, गंधर्वों ने लगाम को पकड़ा, देवताओं ने द्युतिमान सूर्य से अश्व को बनाया, अश्व को बनाया। अश्व हे दौड़ता रथ तेरे पीछे, चलता है मनुष्य उसके पीछे, चले
चली जा रही सुहागिने पीछे, गोधन उनके भी पीछे। रतदारी तेरी मैत्री की करे चाहना, देवता करते चलते तेरी सराहना। चला जा रहा अश्व बलशाली, दिव्य मन में अपने जान धरता। आता है बलि के स्थल पर अश्व का बंधु अजलाया जाता। अनुगमन करता है सबसे पीछे, कवियों ज्ञानियों का दल गाता गाता। जाओ अश्व तुम जाओ, माता पिता के पास जाओ, परम धाम पाओ, पाओ देवताओं का स्तवन, हविर्दाता को धन संपदा दिलाओ। वेद आर्यों के दिल की पुकार थी जब वो भारत की जरखेज जमीन की ओर बढ़े। आर्य सोच का सर चश्मा वही था जिससे ईरान में अवेस्था पैदा हुआ, फिर उन ख्यालों की तरक्की हिंदुस्तान में आकर हुई। वेदों का तबसरा रविंद्रनाथ ठाकुर यूं करते हैं, जीवन के अचरज और भय की तरफ एक जन समाज की भावनाओं का ये शायराना दस्तावेज है। अपने सरल विश्वास से सबने प्रकृति की हर शक्ति में, हर तत्व में देव रूप देखा, पर यह विश्वास साहस और आनंद भरा था और उन्होंने रहस्यमय तसव्वुर में जिंदगी को एक दिलकशी दी। लेकिन ऋग्वेद खुद सदियों की सोच और सभ्यता के विकास का सार है। जिस दौरान सिंधु घाटी तहजीब और कई दूसरी तहजीबें फली फूली, इसलिए ऋग्वेद में ये जो अर्पण है वो मुनासिब लगता है। हे ऋत्विज, हे पूर्वज, हे आद्य मार्गान्वेषी, वंदन है। हिरण्यगर्भात् समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं जामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर।